Hello student, I am Neelam from SGTP school, NH9, Ding Road, Sirsa student. This is your maths class. Open your maths book. Student, today we will do exercise 4.5, find the product. Find the product, last exercise में भी हमने यही किया था, लेकिन उसको one digit multiply था. अब यह two digit है, two digit को two digit से ही multiply करना है. देखो कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है 32 मल्टीप्लाई बाय 23. 32 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम वंस को, इसके नीचे वाले वंस को पहले इस वन से, फिर 10 से करेंगे, फिर इस 10 को वन से और 10 से करेंगे. देखो पहले 3 को हम 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब देखो, अब हमने इसको 10 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वन से, तो 10 को करना है तो इस वंस के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे. ओके, 10 से ही स्टार्ट करेंगे. 2 2 जा 4, अब 9 के नीचे आ जाएगा 4, और 3 2 जा या 2 3 जा 6. अब इसको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना. अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है, तो 6 का 6, 9 और 4, 13 का 3, कैरी 1, 6 और 1, 7. 6 के ऊपर कुछ नहीं है, बस कैरी आया था. ये क्या आंसर आ गया, 736. इसका बी पार्ट देखो, 21 मल्टीप्लाई बाय 14. अब देखो कैसे करेंगे, 21 को 14 से मल्टीप्लाई, पहले इस वंस को इस वन से, फिर 10 से. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8. ओके, अब देखो, अब 10 को करना है हमने वन से, तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा. 10 से स्टार्ट करेंगे वो, 1 वन जा 1, 2 वन जा या 1 टू जा 2. ओके, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं, क्रॉस है, तो 4 का 4, 8 और 1, 9, आगे 2. ओके, अब इसका ई पार्ट देखो, ऊपर 3 डिजिट दिए, 1 टेंस 100 तक दिया हुआ है, नीचे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है. देखो कैसे करेंगे, 130 को 22 से मल्टीप्लाई करना है. इसका वंस को पहले 1 से, 10 से, फिर 100 से. 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. अब देखो, वंस के नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे. टेंस को हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना. 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2. ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इन दोनों को. 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 का यहाँ 0, 6 और 0 6, 6 और 2 8, और यहाँ 2. क्या आंसर आ गया, 2860. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट, या मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, सेम चीज है. अब यहाँ देखो, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करना है. देखो कैसे करेंगे, देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 22. अब पहले वंस को इससे, फिर इससे, जैसे पहले हमने किया था. 2 6 जा 12. अब देखो यहाँ 12 का 2 कैरी आ रहा है. अब 12 हम 2 डिजिट इकट्ठे नहीं लिखते ना, 12 का 2 कैरी 1. 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे, कैरी जो है 7. ओके, फिर यहाँ वंस के नीचे मल्टीप्लाई, फिर हम टेंस को करेंगे. 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7. अब इसमें क्या आ जाता है, कैरी आ जाता है. अब इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 7 और 2 9 और यहाँ 7. ओके, इसका बी पार्ट देखेंगे. अब 243 को 34 से डिवाइड करना है. देखो कैसे करेंगे, देखो पहले वंस को करेंगे 3, 4 को 3 से, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 और 1 कैरी आया था 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9. ओके, अब 10 के, वंस के नीचे क्या है, क्रॉस लगाएंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे. 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7. अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 2 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8. ओके स्टूडेंट, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट. सेम वही चीज है, इनको हमने यहाँ सम बना के दिया हुआ था, यहाँ हमने बनाना है. ओके स्टूडेंट, देखो 43 मल्टीप्लाई बाय 27. अब 43 ऊपर, 27 हमने नीचे राइट कर लिया. अब इसको वंस को पहले करेंगे मल्टीप्लाई. 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 और 2 30.
28 के आगे 2 काउंट कर लेंगे 30। अब देखो वंस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और वंस के नीचे क्रॉस आ जाएगा। टेंस को स्टार्ट करेंगे, 3 टू जा ये 2, 3 जा 6, 4 टू जा 8। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे हम। 1 यहाँ पे 0 और 6 6, 8 और 3 11। ओके, अब इसका बी पार्ट देखो, 324 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 324 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वंस को करेंगे, 5 4 जा 20, 20 की 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। ओके, अब वंस का हो गया तो वंस के नीचे क्रॉस, 10 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे, 0 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4860 आर आंसर। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 4.5। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थैंक यू स्टूडेंट।